चित्रों को लेकर आपका आक्षेप था, आखिर फिल्म में से क्या चीजें हैं जिसको लेकर आपको ऐसे है कि आक्षेप था? शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु के बीच में लड़ाई, ये ना महाराष्ट्र ने सुना है, देखा है, ना पढ़ा है। अफजल खान के बारे में बाजी प्रभु जाके बताता है, तब यानी ऐसा दिखाया गया कि शिवाजी महाराज को मालूम ही नहीं था। तो शिवाजी महाराज की जो इंटरनल स्पाइंग एजेंसी थी, यानी सीक्रेट एजेंसी, और उनके पास जो मालूमात थी वो शायद किसी के पास भी नहीं थी, कि औरंगजेब कैसा आने वाला है, उसके दिल में क्या है, वो कैसा आपको गले लगाएगा, फिर वो आप अपनी ताकत से कैसा आपको छुरा मारेगा, ये सब शिवाजी महाराज को पता था। और शिवाजी महाराज ने 1 मिनट में उसका पेट फाड़ डाला, जैसे उन्होंने उन्होंने देखा कि इसने खंजर निकाला, शिवाजी ये वो गिर गए। वो गिरने के बाद जैसे ही शिवाजी महाराज निकले, तभी एक कुलकर्णी नाम के आदमी ने शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार चलाई, वो तलवार उसके नीचे आने के पहले उसका गर्दन निकल गई थी, शिवाजी महाराज चले गए। इसमें दिखाया है कि गोद में लिया है शिवाजी महाराज ने अफजल खान को। अफजल खान था कम से कम 6.5 फीट लंबा, और उसको गोद में लेके पेट फाड़ रहे। ये गोद में लेने का कब कब दिखाया है, कौन से चित्रपट? ये फिल्म में बार बार मराठा मराठी मराठा मराठी मराठा मराठी मराठा मराठी किया गया, ये जानबूझ के किया गया है। इसकी वजह जाति में द्वेष पैदा करना करने की है, मराठाओं का योगदान कम करने की है, और ये गलत बात है, मराठाओं का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि विधायक जितेंद्र आवार गुंडागर्दी करते, एक मॉल में जाते, लोगों को जबरन बाहर निकालते। आपके मेरे मेरा उनके सब कुछ लेना देना, मुझे बोलना। खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्रवाई होगी। जो हाँ ठीक, नहीं मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं कि ब्राह्मण समाज ने 15 दिन पहले ही उनसे कहा था कि ये गलत इतिहास मत बताओ, इससे इससे महाराष्ट्र में आपत्ति आएगी। 15 दिन पहले उन्होंने आज मुंह बोल के मैंने वीडियो बाइट दिया है कि ये झूठा पिक्चर है, इससे गलत सहमी फैल, और उनका यही कहना है कि ये सब हमेशा इसके लिए किया जाता है कि ब्राह्मण समाज को किसी के खिलाफ खड़ा कर देने का प्रयास कुछ लोग करते रहते हैं। मैंने तो किया नहीं है। अभिजीत ऐसा कोई कभी आपने सुना है क्या, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को गोद में लिया? 6.5 फीट के आदमी को आदमी कोई गोद में ले सकता है क्या? अगर शिवाजी महाराज की ऊंचाई हाइट की बात करें तो वो 5.5 फुट के ऊपर नहीं थे। अफजल खान का जो उल्लेख है इतिहास में उनके शरीर का, जरा पढ़िए। गोद में अफजल खान को लिया और मारा, ये किसी भी इतिहास के पन्ने में आ सकता है क्या? तो क्या इसके ऊपर खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए? बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार चलाता है, क्या इधर नहीं लगेगा? इधर चोट नहीं लगेगी? अगर इधर चोट नहीं लगेगी ना, तो ये मेरी माँ ही नहीं है, ये मराठी माटी मेरी माँ ही नहीं है, मैं इसका सावत्र पुत्र हूं जो इसके इसका बद, इसकी बदनामी खुले हाथों से लेकर। इसके अलावा भी एक और फिल्म पर भी आपत्ति जताई गई, जहाँ पे मामलों को कथित रूप में दिखाया गया है, तो उनको लेकर भी, उस फिल्म को लेकर ऐसा है कि आपको तुम क्यों करते हो ये सर? तो मतलब मेरा सवाल है कि सिनेमैटिक रियलिटी नाम की भी चीज है, एक चित्रपट सौंदर्य नाम की भी चीज है, साइंस है वो। शिवाजी महाराज तुम्हारे आंख के सामने, बंद आंख के सामने भी कैसे हैं ये आ जाते हैं, तो वो वैसे ही दिखने चाहिए ना। नेपोलियन, तुम्हारे आंख बंद करो नेपोलियन आ जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट आंख बंद करो आ जाता है, क्योंकि सालों से एक प्रतिमा तुम्हारे मन में बनाई गई है। अकबर इमीडिएट तुम्हारे सामने आ जाता है,
पृथ्वीराज चौहान इमीजिएट तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। अब तुम उसको बदलने की ही कोशिश करोगे। अभी मावड़ा, अब शिवाजी महाराज को जो सैनिक थे जिनको मावड़ा कहा जाता था, वो हमेशा ऐसे टोपी पहने हुए और थोड़े से कोई काला है इसका मतलब वो सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। पश्चिमात्य चित्रपट में बहुत हीरो थे जो काले होकर भी जिन्होंने पूरी विश्व को काबिज कर लिया था। काला कोई रंग ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं हो सकता है, ये तो अपने धरती पे है कि गोरा है तो खूबसूरत है। अभी मैं समझो मैं टोपी वीपी पहना तो भी मावड़ा दिख सकता हूँ क्या? इतना गर्म लाल इतनी आग धारी मैं मावड़ा दिख सकता हूँ? अरे मावड़ा तो वो चाहिए, काला है मुछ ऐसी है, ये ऐसा बड़ा है तलवार निकालेगा तो सामने के सैनिक को लगना मांगता है इसने निकल गई अपनी विकेट हुई। तुम मावड़ा का रूप ही बदल रहे, उसके बाल ऐसे ऐसे ऐसे, यानी किसी बांद्रा के किसी लोरियल के क्या और सैलून में जाके बाल बना के आए हैं, सबसे सब सबके बाल ऐसे पीछे खड़े, बोले रावण का जैसा दिखना चाहिए मावड़ा। अरे क्या बात है, रावण मावड़ा मावड़ा है, और वो हमारे धर्म के जात के थे। 18 पगड़ जाति को इकट्ठा किया था, इसका मतलब क्या था? यहाँ कोल यहाँ का कोली था, तांबोली था, वाली था, बंजारी था, बंजारा था, सब 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 लोग को इकट्ठा लेकर एक समूहित जनता का राज्य खड़ा कर दिया था ना। अब तुम उसको सभी बदल दोगे तो कैसा चलेगा?